छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के अंतर्गत धान खरीदी का कार्य निरंतर जारी है। बता दें कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के अंतर्गत अभी तक 4,76,509 मैट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी हुई है। इसी क्रम में धान खरीदी को लेकर जिला खाद्य अधिकारी ने कहा कि जिले के कुल 1,50,000 किसानों ने धान विक्रय के लिए पंजीयन कराया है, जिसमें अब तक 1,08,000 किसानों द्वारा कुल 4,78,000 मैट्रिक टन धान बेचा गया है। इसी कड़ी के तहत उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहां धान का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। जो वर्षों से अपने बच्चों की कोई मांग जो पूरी नहीं कर पा रहे थे, वो बच्चों की मांग पूरी की जा रही है। कुछ किसानों से संबंधित कृषि यंत्र खरीदे जा रहे हैं और बहुत सारे किसानों ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से कहा कि इतना पैसा आया है हमारे खाते में, हम मकान का निर्माण करने वाले हैं। तो मैं आपको बता सकता हूं, किसान अपने जीवन के सुई से लेकर जिन चीजों को वो एफर्ट कर सकता है, वो सारे चीज को खरीदने का सुअवसर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उपलब्ध कराया है किसानों के लिए और उनके परिवार के लिए। दिवाली जैसा वातावरण, जो वर्षों अपने बच्चों की कोई मांग